नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। कहा जाता है हमारे आसपास दो तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी और दूसरी होती है निगेटिव एनर्जी। हमने पॉजिटिव शक्तियों की कई कहानियां सुनी होंगी और कई बार इन्हें महसूस भी किया होगा। जब भी हम कभी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ मंदिर या शांत जगह होती है तो हमें पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। वहीं बात करें अगर निगेटिव एनर्जी की, तो ये निगेटिव एनर्जी के भी कई किस्से हमने सुने होंगे, कई कहानियां इसकी सुनी होंगी, पर इसे महसूस करना बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं अगर भगवान है तो शैतान भी है, पर क्या वाकई शैतान है या वाकई भूत प्रेत जैसी कुछ होता है या सिर्फ हमारा ये भ्रम है? क्या है हकीकत, आइए जानते हैं हमारे इस खास शो में। क्या आप नकारात्मक शक्तियों पर विश्वास करते हैं? क्या वाकई आत्माएं होती हैं? क्या भूत प्रेत जैसी किसी चीज का होना मुमकिन है? क्या एक शाप बन सकता है विनाश का कारण? सालों पहले मरे हुए लोगों का भूत, महल में महसूस की गई अजीबोगरीब शक्तियां, महल में सुनी गई डरावनी आवाजें, हमारे भारत में कई रहस्य छुपे हैं। कई रहस्यों की राज से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है। ऐसी कई जगह हैं, कई महल हैं और कई किले हैं जिनके अनसुने राज आज भी एक गहरा राज है। इनके बारे में आज भी किसी को कुछ नहीं पता। इन्हीं अनसुलझे रहस्यों में शामिल है एक किले का रहस्य, जिसके बारे में हमने कई किस्से कहानियां पढ़े और सुने हैं, पर हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। इस रहस्यमय किले का नाम है भानगढ़ का किला। ये किला अपने अंदर कई रहस्यों को दबाए हुए है। कई राज इसमें आज भी दफन है जिनका खुलासा अब तक कोई नहीं कर सका है। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला लोगों के लिए एक डरावने सच के जैसा है। ये किला सरिस्का नेशनल पार्क से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहते हैं ये किला राजा मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधव सिंह के लिए बनवाया। इस किले का नाम माधव सिंह के पिता भान सिंह के नाम पर रखा गया था। इस किले में कई मंदिर भी हैं। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई से इस बात के कई सबूत मिले हैं कि ये शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। फिलहाल इस किले की देखभाल भारत सरकार करती है। पुरातत्व विभाग ने इस किले में आने वाले पर्यटकों को सख्त हिदायत दे रखी है कि सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के बाद इस किले में कोई व्यक्ति नहीं रुक सकता है। भानगढ़ के किले के बारे में हमने कई किस्से कहानियां सुनी हैं। कहा जाता है कि एक शाप इस किले का विनाश का कारण बना। एक शाप के चलते इस किले का सर्वनाश हो गया। क्या वाकई ऐसा कुछ मुमकिन है? क्या वाकई सिर्फ एक शाप किसी रियासत को तबाह करने के लिए काफी है? चलिए जानते हैं इस किले की मशहूर कहानियों के बारे में। कहते हैं भानगढ़ में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती थी और उस राजकुमारी के चर्चे हर जगह थे, लेकिन
राजकुमारी की खूबसूरती ही पूरे भानगढ़ में विनाश का कारण बन गई। कहते हैं कि भानगढ़ में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। इनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में मशहूर थे। उस दौर में कई राज्यों से रत्नावती के लिए शादी के रिश्ते आते थे। कई राजकुमार तो राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के कायल हो गए थे। एक बार राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई, जहां वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र की खुशबू सूंघने लगी। जब राजकुमारी दुकान पर थी, उस समय सिंधु सेवड़ा नाम का एक जादूगर दुकान से कुछ ही दूरी पर खड़ा होकर वहां से राजकुमारी को निहार रहा था। खास बात यह है कि सिंधु सेवड़ा उस राज्य का सबसे मशहूर जादूगर था। उसने काले जादू में महारत हासिल कर रखी थी। लोगों का कहना था कि तांत्रिक राजकुमारी की खूबसूरती का दीवाना हो गया था। वह राजकुमारी से प्रेम करने लगा था, पर राजकुमारी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। तांत्रिक राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, जिसके लिए वह उस दुकान पर गया जहां से राजकुमारी के लिए इत्र चाहता था। जहां उसने राजकुमारी के लिए जाने वाले इत्र में वशीकरण करने के लिए काला जादू कर दिया। जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने इत्र की शीशी को पास ही पड़ी चट्टान पर फेंक दिया, जिससे इत्र की शीशी चट्टान पर गिरकर टूट गई और इत्र चट्टान पर ही गिर गया। जादू होने के कारण चट्टान तांत्रिक के पीछे आकर्षित हो गई और उसे कुचल डाला, जिससे तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की मृत्यु हो गई। पर उसने मरने से पहले पूरे भानगढ़ को विनाश का श्राप दे दिया। और ऐसा कहा जाता है कि तांत्रिक के ही श्राप के कारण भानगढ़ का विनाश हो गया। वहां रहने वाले सभी लोगों की एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई और मरे हुए सभी लोगों की आत्माएं आज भी इस किले में ही भटकती हैं। आज भी लोगों का ऐसा मानना है कि भानगढ़ में भूतों का निवास है। वहां से आज भी कई अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। वहां जाने वाले लोगों का भी कहना है कि आज भी वहां कई अजीब शक्तियां महसूस करी जा सकती। भानगढ़ किले के विनाश की कई कहानियां हैं। इनमें से कुछ मशहूर कहानियों में शामिल है बाबा बालकनाथ के श्राप की कहानी। भानगढ़ के किले के भूतिया होने की ऐसी एक और कहानी भी है जो आपके मन में कई सवाल पैदा कर देगी। कई लोगों का कहना यह भी है कि इस किले के भूतिया होने के पीछे बाबा बालकनाथ का श्राप। ऐसा मानना है कि भानगढ़ का किला जब बन रहा था, उस वक्त बाबा बालकनाथ ने महल के निर्माण की एक शर्त रखी थी। इस महल के बनने के बाद इस किले की परछाई उनकी झोपड़ी पर नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर इस महल की परछाई उनकी झोपड़ी पर पड़ी तो यह किला तहस नहस हो जाएगा, जिसके बाद उनकी यह शर्त मानकर महल का निर्माण कार्य शुरू किया गया। पर इस महल के बनने से पहले ही सभी इस बात को भूल गए और महल की परछाई बाबा बालकनाथ की झोपड़ी पर पड़ने लगी और ये भूल ही भानगढ़ की सर्वनाश का सबसे बड़ा कारण बना। बाबा का श्राप लग गया और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। वहां रहने वाले सभी लोगों की मौत हो गई और तब से यह किला खंडहर में तब्दील हो गया। और ऐसा लोगों का मानना है कि उस किले में मरे हुए लोगों की आत्माएं आज सालों बाद भी उसी किले में भटकती हैं।
किस्से कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो बता पाना मुश्किल है। ऐसे ही कई तथ्य सामने आते रहते हैं। प्राइम टीवी ऐसे ही किसी भी तथ्यों की पुष्टि नहीं करता, पर हर इंसान इन रहस्य के बारे में जानकारी से रूबरू होना चाहता है। आगे भी हम ऐसे ही रहस्यों की पड़ताल करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।